भाई आज हमारे पास है दो गाड़ियां, एक है मारुति की जो वैगनार VXI CNG आई है वो, और दूसरा i20 का CNG लगा हुआ मॉडल स्पोर्ट्स वाला 2019 का। और इन दोनों गाड़ियों में कंपैरिजन करते हैं बूट स्पेस का कि CNG लगने के बाद बूट स्पेस इनमें कितना बचता है। i20 में जो CNG है वो बाहर से यानी बाद में लगाई गई है, शोरूम से नहीं लग के आई थी, कंपनी से ही बाद में लगवाई गई। और वैगनार जो है ये VXI मॉडल है CNG वाला, इसमें जो CNG है वो कंपनी से ही ऑलरेडी अब लग के आई रही है, तो ये मॉडल तो आपको अवेलेबल मार्केट में है। चलिए शुरू करते हैं वैगनार से। और LXI VXI के अंदर स्पेस जो है वो बराबर है, और CNG जो है कंपनी फिटेड है, CNG लगने के बाद भी इसमें स्पेस आप देख सकते हैं कितना बचता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि आप इसमें दो छोटे मोटे बैग या दो तीन पिट्ठू बैग इसमें रख सकते हैं आराम से, तो ठीक ठाक कह सकते हो स्पेस इस सेगमेंट के हिसाब से है इसमें। और दो तीन बैग आ सकते हैं छोटे मोटे, बड़ा कोई भी बैग इसमें CNG लगने के बाद नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप और गाड़ियों से कंपैरिजन करो मारुति की, तो उस हिसाब से स्पेस इसमें फिर भी ठीक है। और वैगनार जो अब है वो LXI और VXI में यानी दोनों मॉडलों में CNG जो है वो अवेलेबल है। तो ये है कुछ CNG लगने के बाद वैगनार का स्पेस, वैसे बिना CNG के तो इसमें अच्छा खासा स्पेस है ही है। और इसके लिए एक ट्रे भी आई हुई है, उसकी भी वीडियो जल्दी आने वाली है चैनल पे, जिसमें CNG को कवर करके उसके ऊपर आप कुछ सामान रख सकते हैं। ये हो गई वैगनार की बात, आप इसमें स्पेस देख ही सकते हैं। आइए देखते हैं एक बार i20 को कि i20 में कितना स्पेस है। ये i20 का 2019 का जो मॉडल है स्पोर्ट्स वाला वो है, कंपनी से इसमें CNG लग के नहीं आई थी उस टाइम पे, लेकिन बाद में शोरूम की तरफ से कह लो या कंपनी की तरफ से इसमें CNG लगवाई गई थी। एक बार इसका भी बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। एक तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो ग्रैंड आइटन i20 का, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का ही डिफरेंस आएगा। तो अगर इस लेवल पे CNG लगाई जाए तो कितना आपको दोनों में डिफरेंस आएगा, यानी आप मारुति की या तो हुंडई की अगर कोई ऐसी सेकेंड हैंड या नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो एक टोटल कंपैरिजन हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं पहले i20 का बूट स्पेस। CNG इसमें ऑलरेडी जैसा कि बताया आपको लगी चुकी है, और CNG जो है वो काफ़ी डाउन करके ही लगाई गई है इसमें, यानी शोरूम से नहीं लगाई है बाद में। और ओवरऑल स्पेस आप इसमें भी चेक कर ही सकते हैं, सेम उसी पोजीशन में इसका टायर है जैसे वैगनार का था, और स्पेस लगभग उतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें भी कोई बड़ा बैग नहीं आ सकता, हाँ दो तीन वही छोटे पिट्ठू बैग वगैरह इसमें आ सकते हैं। आप ओवरऑल डिफरेंस तो देख ही सकते हैं स्पेस का कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है i20 में कहो या वैगनार में कहो, कम से कम इतना बचता है कि आप पिट्ठू बैग या छोटे मोटा जो सामान है वो डिक्की में डाल सकें। बाकी कुछ गाड़ियों में तो इतना भी नहीं बचता, बिल्कुल जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत स्पेस है। तो अगर बात करें कंपैरिजन की, तो i20 और वैगनार लगभग बराबर स्पेस है इस टाइम पे। इन दोनों गाड़ियों में तो हमें कोई पर्सनली कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया कि बूट स्पेस कोई ज़्यादा बचता है, लेकिन ठीक है काम आ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।